हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी लीगल चैनल। मैं हूं भोपर सिंह सोनी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेल्स एनालिस्ट का आपको कैसे जेडी ड्राफ्ट करना है, उनकी सैलरीज कैसे डिसाइड करनी है और कैसे उनसे एग्रीमेंट आपको साइन कराना है, इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। देखिए, आप जब लोग बिजनेस चालू करते हो ना, तो होता क्या है, बिजनेस जब ग्रो हो रहा होता है बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। अब जब बिजनेस ग्रो होता है, सेल्स के हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी लीड्स के सोर्सेज होते हैं। अल्टीमेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट लीड के सोर्सेज होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनको छोड़ के हम हमारा फोकस दूसरी जगह लगा लेते हैं। एक फाउंडर को, सीईओ को या सेल्स वाइस प्रेसिडेंट को देखना पड़ता है कि कंपनी के सेल्स रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और वहीं पर सारा फोकस उनका होना चाहिए। सेल्स एनालिस्ट की जॉब क्या होती है, वो आपके बिहाफ पे उन एरियाज को फाइंड आउट करता है। अगर किसी एरिया में 200 लीड आ रही है तो कैसे उसको 300 लीड करना है, 400 लीड करना है। अगर कंपनियां कन्वर्जन 20% है, मतलब 200 लीड आई 20% कन्वर्ट हो रही है, 40 लीड कन्वर्ट हो रही है, तो कैसे कन्वर्जन रेशियो को 20% से 35%, 40%, 50% तक लेके जाना है। तो ये सारा काम एक एनालिस्ट करता है। अब इनको हायर कैसे करना है, इनकी सैलरी कितनी होती है, मैं आपको बताता हूँ। एक एनालिस्ट की सैलरी होती है 6 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में। वो सारे एनालिसिस आपको करके देगा। उसकी ड्यूटीज होती है डेवलपिंग न्यू स्ट्रैटेजीज, नई स्ट्रैटेजीज बनाना, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, कन्वर्जन क्यों नहीं आ रहा, कहाँ दिक्कत है, क्या प्रोडक्ट में दिक्कत है, मार्केट में दिक्कत है, कंपटीशन बहुत कम प्राइस पे दे रहा है या कंपटीशन मार्केटिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, कहाँ पे सेल्स क्लोज नहीं हो रही है। देखो, मार्केट तो चल रहा है, बिजनेस भी चल रहा है, माल बिक रहा है, बट आपकी कंपनी के थ्रू नहीं बिक रहा, तो वहाँ पे एक मिस्टेक है जिसको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एंड ऑफ द डे आपके रेवेन्यूज कम हो जाएंगे और आप कंपनी को चला नहीं पाओगे। अब इनमें स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहले स्किल होनी चाहिए लीडरशिप की। ये लीडरशिप ले सके अपनी पूरी टीम की, सेल्स टीम की। दूसरी चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि आज कंपनी का रेवेन्यू 1 करोड़ का है तो 1 साल बाद उसको 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ कैसे करना है, या फिर 1000 लीड पर मंथ आ रही है, 1500 लीड पर कैसे लेके जाना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इनके अंदर होनी चाहिए। अब इनके आपको जीडी कैसे ड्राफ्ट करने, बेसिक पे इनको आप 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में दे सकते हो। 3 से 5 साल का इनको मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आप क्वार्टरली इंसेंटिव लगा दो कि लेट सपोज 6 महीने में 1 करोड़ की सेल को इन्होंने 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख पे कर दिया, तो 20 लाख जो इन्होंने इंक्रीज करा है उस पर इनको 5% का इंसेंटिव मिलेगा। तो 20 लाख का 5% होता है 1 लाख रुपये, तो 1 लाख रुपये इनका इंसेंटिव बन गया 6 मंथ बाद और बेसिक पे इनको हर महीने मिल ही रहा है। तो ऐसे आप इनका जीडी ड्राफ्ट कर सकते हो। और मोटिवेशन के लिए आप इनको और इंसेंटिव बेनिफिट दिखा सकते हो। और मेक श्योर करना कि इनके साथ आप सुबह शाम डेली मीटिंग करो। अगर आप एक सीईओ फाउंडर हो और अगर आपके पास सेल्स का वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर अलग से, तो उनकी ड्यूटी लगाना कि इनके साथ वो डेली मीटिंग करे, डेटा को एनालिसिस करे। फिर इनके गोल्स को क्लियरली डिफाइन करो कि लीड्स बढ़ेंगी तो कैसे बढ़ेंगी, कितना नंबर से लेकर आएंगे, कितने टाइम में ये लेकर आएंगे, सेल्स उससे कितनी बढ़ेगी, ग्रॉस मार्जिन कितना बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको लेना जरूरी है इनसे। अब एग्रीमेंट कैसे ड्राफ्ट करना है, दोनों पार्टीज के नाम आ जाते हैं, मिनिमम 2 से 3 साल का बॉन्ड भरवाना है। अगर आप बॉन्ड किसी एम्प्लॉय से भरवा रहे हो, NDA, NCA, तो आपको ट्रेनिंग भी दिखानी पड़ती है। ट्रेनिंग के लिए आप कोर्सेस ऑनलाइन बाय कर सकते हो, उसका इनवॉइस आपको मिल जाएगा और आप उसको ऐसा एविडेंस कोर्ट के अंदर शो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। पेमेंट को लेकर क्लियर रखना कि हर महीने के 5 तारीख को उनको पेमेंट मिलेगा, इंसेंटिव 6 महीने बाद या ईयर एंड में इनको मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए। अगर किसी सेल एनालिस्ट को जॉब छोड़ के जानी है तो मिनिमम 90 डेज का नोटिस पीरियड उसको कंपनी को सर्व करना पड़ेगा, ये उस एग्रीमेंट के अंदर डलवाना। प्लस डेली वो रिपोर्टिंग किसको करेगा, वीकली किसको करेगा, मंथली कैसे करेगा और रिपोर्ट्स कैसे बनानी है, उसको ईमेल पर सबमिट करनी है, ये भी उसकी ड्यूटी के अंदर आएगा जो एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होना चाहिए। कंपटीशन को आपका डेटा लीक नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कॉम्पिटिशन को आपका डेटा दे दिया तो कॉम्पिटिशन विदाउट एनी कॉस्ट मच एफर्ट्स आपका सारा डेटा लेके चले जाएगा और आपके सारे कंज्यूमर को एक्वायर कर लेगा। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना। तो ऐसे आपको जीडी ड्राफ्टिंग करनी है, पोजीशन बनानी है और उनका एग्रीमेंट बनाना है। अगर आप सेल्स एनालिस्ट के बारे में और जानना चाहते हैं, इनके एग्रीमेंट्स बनवाना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग होते हैं पैरेंट सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।